खजुराहो एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पहुंचने पर मुख्यमंत्री से कौन कौन सीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के अंदर जाएगा, जिसकी एक लिस्ट एयरपोर्ट डायरेक्टर के पास जाती है और उसी लिस्ट के आधार पर लिस्ट में लिखे नाम को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दी जाती है, लेकिन लिस्ट में नाम होने का बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं NSUI कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं दी गई, जिसकी नाराजगी क्षेत्रीय विधायक कुंवर विक्रम सिंह ने एयरपोर्ट पर सीएम के जाने के बाद CISF चीफ कमांडेंट पर जताते हुए आगे से इस तरह की गलती न दोहराने की भी सलाह दे दी। यही नहीं, क्षेत्रीय विधायक ने ऐसा दोबारा होने पर जनक के साथ धरना देने की भी धमकी दे दी। वही लिस्ट कौन देगा इसको लेकर भी क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच की कहासुनी हुई और क्षेत्रीय विधायक बोले कि लिस्ट में दूंगा, वही जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी बोले लिस्ट में दूंगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने कलेक्टर के द्वारा अलग लिस्ट और SDM द्वारा अलग लिस्ट दिए जाने के कारण इसकी सिचुएशन बनने की बात कही। वही लिस्ट कौन देगा इस बात को DPCC में भी रखने की बात करते हुए इसके पीछे का कारण स्थानीय प्रशासन को बताया। हमने तो आपसे पढ़ी है।
नाराजगी कुछ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो जब यदि वो हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनको रिसीव करने का फर्ज बनता है कि जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, चाहे वो माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट हों या यूथ कांग्रेस के हों, महिला कांग्रेस के हों, सेवा दल के हों, नगर अध्यक्ष हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों और सारे हमारे एमएलए एक्स एमएलए को वहाँ पर एंट्री होना चाहिए। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पर जाके लॉबी में बैठ जाते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार जब खजुराहो आए थे, इसी तरीके से उस टाइम पर हुआ था कि हमने सारे लोगों का परिचय कराया था उनसे कि भाई ये हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये हमारे नगर अध्यक्ष हैं, इस टाइप का हुआ। आज लिस्टों में डिस्प्यूट हुआ, इसके क्या कारण हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं कुछ, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कुछ, और जो भी बात है तो आज हम उधर पे पीसीसी में इस चीज़ का बात को रखेंगे कि लिस्ट यहाँ पे जो रहेगी वो कौन डिसाइड करेगा, ये किसकी लिस्ट मानी जाएगी। ये इशू नहीं है, मैं बाहर था एक्चुअल, मैं इसीलिए लेट हो गया था, मैं बाहर था तो मैंने लिस्ट अपनी भेजी थी, उन्होंने भेजी थी, हम लोगों ने दोनों लोगों ने फ़ोन पे बात भी की थी। बात में करने का वही बात थी कि भाई जो एमएलए हैं वो जाएंगे और जो प्रेसिडेंट्स हैं वो जाएंगे। प्रेसिडेंट सरकार सत्ता किसने बनाई है भाई? मुखियाओं ने बनाई है, चाहे वो संगठन किसी भी पार्टी मतलब जुड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, पिछड़ा वर्ग हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, एनएसयूआई हो, किसान कांग्रेस हो, सब लोगों ने मिलजुल कर मेहनत की, इसलिए सरकार बनी है। तो आज हमारे मुख्यमंत्री आते तो कम से कम उनके मुखियाओं को तो उनसे मिलने की आवश्यकता है और मिलना चाहिए। उनसे मिस्टेक इसलिए नहीं मानते, सीआईएसएफ का तो उसके सिक्योरिटी पर्पज रहता है, जो स्थानीय प्रशासन है वो मैनेज करता, वो लिस्ट देता है।